देखो अपने एक लैन सेगमेंट ड्रा कर लिया मैंने ओ पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड इसके जो डायरेक्शन क्वेश्चन है वो एल एम एन है एल एम ओ एन है आपको प्रूफ करना है कि आपको पता ना इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको ठीक है देखो इसके मैंने कॉर्डिनेट रेजूम कर लिया एक्स वाई जेड अपनी ओ पी लैंन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ है मैंने आर के को रेज्यूम कर लिया था मैं यानी ओ पी को मैंने आर के रूम लेट कर लिया इसकी जो लेंथ हो जाएगी मेरी तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखो ये मेरा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा ये वाई एक्सिस से और ये जेड एक्सी तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है मैंने यहाँ पर अपनी ठीक है ओपी परपेंडिकुलर हो करिए ओपी भी लाइन सेगमेंट जो है, है मेरी पी बी है, पी पी है तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि जो ओ पी स्क्र हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस प्लस के ठीक है तो ये ध्यान से देखो ये अपना जो एक्स है वो ओरिजिन से 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 तक का ये अपना जेड अपना ये ओ सी और ये अपना ओ बी हो जाएगा जो मेरा ओ पी की लेंथ है अपनी ठीक है इसके इक्वल हो जाएगा ऐसे अपना अब देखो अगर हमने यहाँ पर जो एक्स एक्स का जो एंगल बना रही है एंगल अल्फा है तो यहाँ से मैं घोस अल्फा लिखूंगा वो कितना हो जाएगा वो आएगा यहाँ से अपना एक्स अपन आर की इक्वल क्योंकि इसका ये अपना देखो बेस अपना एक्स है और हेपटेम ठीक है और ये मेरा एल की इक्वल है क्योंकि अपनी गिवन है एल एम एल तो पॉजिटिव एक्स एक्स का जो इसका डायरेक्शन डर है वो एल के इक्वल है तो यहाँ यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल आर ठीक है सिमिलरली वाई मेरा आ जाएगा यहाँ से अपना एम आर वाई आ जाएगा एम आर और जेड आ जाएगा मेरा एन आर की इक्वल ये एक्स वाई जेड के लिए पुट कर देंगे इसके अंदर तो आपको ऐसे क्या मिलेगा एल स्क्र प्लस एम स्क्वा प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर इस गोज टू आर स्क्वायर तो अगर आर स्क्वा कॉमन ले लेंगे तो एल स्क् प्लस एम स्क्वा इसके वे मेरी वन की इक्वल आ जाएगी और ये आपको बताना था इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो वो किसकी को आ गई वन की इक्वल ओके थैंक यू फ्रेंड्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता है आज डाउनोड करे डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर